बसमिलहिम नाज्रीन अल्लाम मैं हूँ इमरान वसीम नाजरी नए साल की आमद है लेकिन लगता ऐसे है कि साल 2021 हज़ार इक्कीस पी डी एम में शामिल अपोजिन की जमातों के रहनुमाओं और सहाफियों के लिए भारी साबित होने जा रहा है क्योंकि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के बाद मुसमिक नमाज के दो अहम रहनुमा नैब के रिडार पर आ चुके हैं उनकी मुबैना करप्शन का मवाद नैब की जानब से इकट्ठा किया जा चुका है और इसके अलावा ऐसे अपोजिन के रहनम जो सबक़ दौरेकूमत में मुबैना तौर पर करप्शन करते रहे अख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करते रहे पैसा बनाते रहे उनकी जानब से सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया गया उनके लिए साल दो हज़ार इक्कीस किस तरह से भारी साबित होगा ये डिटेल भी आपको बताएँगे और इसके अलावा वो सहाफ़ी जो रियाती इदारों के खिलाफ कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ बयाना देते हैं कौमी मफाद के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया के साथ वो वाबस्ता हैं और ऐसे सहाफ़ी भी जो सबक दौर हकूमत में खास तौर पर नून लीग के दौर में तीती फ़ायदे हुकूमत से हासिल करते रहे उन्हें बेनकाब करने का फ़ैसला किया गया है उनके खिलाफ वाइट पेपर जारी किया जाएगा इस खबर की सारी तफसी आगे चल के आप नाजिम के साथ शेयर करेंगे लेकिन इससे पहले तीन छोटी छोटी खबरें अहम खबरें क्विकली आप नाजिम के साथ शेयर करना चाहूँगा पहली खबर तो ये है कि जो चंद रोज़ पहले नैब की जानब से मौलाना फजरमान को छब्बीस सवाल पर मुश्तम परफार्मा सवालनामा भेजा गया था मौलाना फजल रामान की इस्लामाबाद की रहायश गाह के बाद जो गार्ड है उस गार्ड ने यह परफार्मा सवालनामा रिसीव करने से इनकार कर दिया है उस गार्ड की जानब से नैब हुकाम को यह बताया गया कि चूँकि मौलाना फजल रामान इस्लामाद में मौजूद नहीं है वो अपनी रहायश गाह में मौजूद नहीं है तो उनकी अदम मौजूदगी में वो ये परफार्मा रिसीव नहीं कर सकते लेकिन नैब की जानब से यह फैसला किया गया है कि पहला परफार्मा वापस आने के बाद मौलाना फजल मान को एक दूसरा परफामा जारी किया जाएगा उनसे छब्बीस सवालों पर मुश्तमिल जो मतलूब मालूम हैं वो तफसत दोबारा से मांगी जाएंगी लेकिन अगर दूसरे परफामे पर भी मौलाना फजल मान से मतलूब मालूम तफसलत फराहम नहीं की गई तो मौलाना फजल मान के खिलाफ जो जबते की कार्रवाई बनती है जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी दूसरी खबर यह है नाजरिक गुजत रोज़ इस्लामाद में पाकिस्तान बार कौंसल की जनरल बॉडी का अजलास हुआ इस जनरल बॉडी के अजलास में जो नईम बुखारी साहब को बतौर चेयरमैन पी टी वी बतौर वकील प्रैक्टिस करने की इजाज़त देने का जो मामला था इस पर फैसला मौखर कर दिया गया है पाकिस्तान बार काउंसिल की जनरल बॉडी की जानब से ये फैसला किया गया है कि हमारी जो बॉडी है उसके सिर्फ़ दो रोज़ बाकी रह गए हैं तीस दिसंबर का दिन है इकतीस दिसंबर का दिन है उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन होने जा रहे हैं नई बॉडी जो है वो मुंतखब होकर आएगी तो वही जो मुंतखब नई बॉडी होगी नई बुखारी साहब की इस दरख्वास्त पर फैसला करेगी कि आया कि उन्हें बतौर चेयरमैन पी टी वी वकालत करने की इजाज़त होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये मामला जो है वो नई मंतख बॉडी पर छोड़ देना चाहिए दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान बार कौंसल की इस जनरल बॉडी के अजलास में जस्टिस काजी फाइसा और अहलिया जस्टिस काजी फाइसा के मामले पर भी गौर किया गया और जो एफ ने एक नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो जमा कराई है सुप्रीम जुडिशल कौंसल में लंदन जदादों के हवाले से उसे उसे ख़त्म करने का मतालबा किया गया है पाकिस्तान बार कौंसल की जनरल बॉडी के अजलास में इस अजलास के हवाले से जो इलामिया जारी किया गया है उसमें यह बताया गया है कि एफ बी आर की जो रिपोर्ट है लंदन प्रॉपर्टीज़ के इंक्वायरी के हवाले से उसका बगौर जायज़ा लिया गया और ये जो ये जो रिपोर्ट है अदलिया की साख के ख़िलाफ़ है एग्जेक्टिव जो है इंतज़ामिया जो है वो अदलिया के काम में मुदाखलत करना चाहती है तो लिहाजा ये तमाम कार्रवाई जो जस्टिस काजी फाय सार उनकी अलिया के ख़िलाफ़ हो रही है इसे फिलफोर ख़त्म कर दिया जाए इसी इामिया में पाकिस्तान बार कौंसिल की जानब से ये भी मुतालबा किया गया है कि हकूमत की जानब से जो अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इन इंतकामी कार्रवाईों को भी फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ये नाजिन हमारी आज की तीन छोटी छोटी खबरें थीं और अब हम बात कर लेते हैं कि साल 2021 नया जो साल है वो पीडीएम और सहाफ़ियों के लिए किस तरह से बुरा सबित होगा हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं तारिक अजीज़ साहब रोजनमा दुनिया के साथ वो वाबस्ता हैं उनकी जानब से आज एक एक्सक्लूसिव ख़बर रोजनामा दुनिया में शाया की गई है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि साल 2021 हज़ार इक्कीस निया जो साल है वो अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ साथ सहाफ़ियों के लिए भी इंतहाई बुरा साबित होगा इस खबर में ये लिखा गया है कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम एक नवाज के दो ऐसे सीनियर रहनुमा हैं जो नैब के रिडार पर आ चुके हैं और जनवरी में उन दोनों रहनुमाओं की नैब की जानब से गिरफ्तारी मतवके है पहला जम बताया गया है नाज्रन तारिकजीज साहब की जानब से अपने ज़रा से वो है मलिक इब्रार अहमद का मलिक इब्रार अहमद नाजन 2008 से लेके 2013 तक और फिर 2013 से लेके 2018 तक मुसमिक नवाज़ के टिकट से रावलपिंडी से रुकने कौमी असम्बली मुंतब हुए थे और इस वक्त भी मलिक इब्रार अहमद जो है मुसमि नवाज़ के रावलपिंडी डिवीजन के डिवीजनल सदर हैं दूसरा जो नाम बताया गया है वो है राजा इखलास अहमद का राजा इखलास अहमद सबक़ सदर परवेज मुशरफ के दौर में रावलपिंडी डिवीज़न के ज़िले नाजम रह चुके हैं उस वक्त ये मुस्लिम मुस्लिम काफ में शामिल थे बाद दो हज़ार आठ के बाद ये मुसमिक नवाज में शामिल हो गए थे सबक पार्लिमानी सेकट्री भी हैं इनके हवाले से तारकजीर साहब अपनी ख़बर में ये लिखते हैं कि ज़रा की जानब से दावा किया गया है कि मलिक इब्रार अहमद और राजा इखलास अमद के ख़िलाफ़ जो करप्शन की तहकीक़ नैब में चल रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेशरफ़ हो चुकी है दोनों रहनुमाओं के खिलाफ जो मुबैना करप्शन का मवाद है जो शवाइ हैं वो नैब की जानब से इकट्ठे कर लिए गए हैं और इस बात का इम्कान मौजूद है के नैब इन दोनों रहनुमाओं को जनवरी के महीने में गिरफ्तार कर सकती है इसके अलावा इसी खबर में यह भी बताया गया है कि वो तमाम अपोजिशन के रहनम जो सबक अदवार में रुकने कौमी इसम्बली थे रुकने कौमी कौमी इसम्बली थे या सूबाई इसम्बली थे चाहे उनका किसी भी सियासी जमात के साथ ताल्लुक है उनके खिलाफ भी जो रियाती इदारे हैं ख़ास तौर पर जो एफ़ आई ए है एंटी करप्शन का महकमा है उसे मुतहरक कर दिया गया है और हुकूमत की जानब से इन दोनों इदारों को एफ आई ए को और एंटी करप्शन के महकमे को ये हदायत जारी कर दी गई हैं के माजी के ऐसे तमाम सियासतदान जो अपने अख्तारत का नजायज़ इस्तेमाल करते हुए पैसा बनाते रहे हैं करप्शन की एक्टिविटी एक्टिविटीज़ में मुलव पाए गए हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जानी चाहिए उनके खिलाफ जो है जो कार्रवाई जबते की कानून की बनती है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए बल्कि इस डायरेक्शन में तारक अजीज साहब का ये भी कहना है कि यहाँ तक डायरेक्शन जारी की गई है इन दोनों इदारों को हुकूमत की जानब से कि अगर मौलाना फजरमान के पाए का ही लीडर क्यों ना हो ख्वाजा आसिफ के पाए का लीडर ही क्यों ना हो अगर उनके खिलाफ़ करप्शन की कोई कार्रवाई बनती है तो ये कार्रवाई करने से किसी किस्म का गुरेज जो है वो नहीं होना चाहिए ये मुतनब किया गया है रियासती इदारों को हुकूमत की जानब से इसके साथ साथियों के हवाले से क्या जो है वो कार्रवाई होने जा रही है इस हवाले से तारक अजी साहब अपनी ख़बर में ये लिखते हैं कि वज़ी अज इमरान ख़ान ने वजी दाखिला शेख रशीद और परवेज़ खटक के साथ एक खसूस नशस् की है मुलाकात की है जिसमें ये फैसला किया गया है कि ऐसे सहाफ़ी जो रियाती इदारों के ख़िलाफ़ बयानात देते हैं रियासी इदारों को बदनाम करते हैं इसके साथ साथ ऐसे सहाफ़ियों की कैटेगरी जो इंटरनेशनल मीडिया के साथ वाबस्ता हैं लेकिन वो कौमी मफाद के ऊपर अपने ती मफाद को तरजीह देते हैं और इसके साथ साथ ऐसे सहाफ़ी भी जो सबक अदवार में और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और न लीग के दौर में हुकूमत से ती फ़ायदे हासिल करते रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए उन्हें बेनकाब किया जाना चाहिए उनके खिलाफ जो है वो वाइट पेपर जारी किया जाए बल्कि यह भी कहा गया है कि ऐसे सहाफ़ी जो पी डी एम के बयानी को सपोर्ट करते हैं जो नवाजशिफ के बयानीों को सपोर्ट करते हैं तारक अजीज साहब अपनी ख़बर में इस जराए से ये लिखते हैं कि उन सहफ़ियों के खिलाफ भी आइंदा जो साल है साल दो हज़ार इक्कीस में कार्रवाई मतव है और इन तमाम सहााफ़ियों को हुकूमत की जानब से आइंदा साल जो है वो बेनकाब किया जा सकता है इनके खिलाफ जो हकाइक हैं वो मंजर आम पर वाइट पेपर के जरिए लाए जा सकते हैं और जो नवाज़ नवाशी दौर में साफ़ी फ़ायदा उठाते रहे उन्हें भी उनके हवाले से भी हकाइक जो है वो मंजर आम पर लाए जाएंगे इसके साथ साथ ये जो कल ख्वाजा आसफ़ की गिरफ्तारी की गई इस गिरफ़्तारी के हवाले से भी ये तय पाया है कि जो हकूमती वजरा हैं जो रुकने कौमी इसम्बली हैं जो अरकान पार्लिमान हैं उन्हें वजी अजम इमरान खान की जानब से ये डायरेक्शन जारी कर दी गई है कि अगर अपोजिशन की जानब से इस सारी कार्रवाईों को इंतकामी कार्रवाई का रंग दिया जाता है तो इस इंतकामी कार्रवाई के जो एलिगेशनस होंगे इस तमाम तासर को झायल करने के लिए जितना हो सकता है मीडिया पर इन तमाम लोगों के खिलाफ अपोजिशन के जो लोग हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं जो माजी में करप्शन करते रहें इनकी तमाम करप्शन को जो है वो मीडिया पर उजागर किया जाए और इंतकामी कार्रवाई के इस तासर को जायल किया जाए वफाकी वुजरा की जानब से और अरकान पार्लिमान की जानब से जिनका ताल्लुक़ हुकूमत के साथ है जबकि इस खबर में यह भी बताया गया है कि वजी अजम इमरान खान ने जो, जो मीटिंग की है शेख रशीद के साथ और परवेज़ खट्ट के साथ इसमें यह भी तय पाया है कि इस किस्म की मीटिंग जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड रोज़ाना नहीं तो हर दूसरे दिन हुआ करेगी और सारी कार्रवाई पर कार्रवाई का, का, का जो है वो जायजा लिया जाएगा और नाजन कल जो वफाकी काबी का अजलास हुआ था उसमें भी बड़ा एक अहम फैसला किया गया था वो फैसला ये था कि जमयत इस्लाम के जो सीनियर रहनम है म, म, मुफ्ती कफायतुल्ला उनके खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा कायम करने के लिए आर्टिकल सिक्स की कार्रवाई करने के लिए बाकायदा जो है वो गो हेड दिया गया वजी दाखिला शेख रशीद को के उन्होंने जिस तरह से रियासी इदारों को टारगेट किया है उसकी बदनामी का वो सबब बने हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए अब जाते जाते ख्वाजा आसिफ के हवाले से भी एक छोटी सी खबर जो है वो मुख्तसरन आप नाजम के साथ जिक्र करना चाहूँगा जैसे कि मैंने अपनी आखिरी वीडियो में बताया था कि ख्वाजा आसिफ को आज जो है वह एहतसाब अदालत में पेश करके उनका फिज़िकल रिमांड जो है वो नैब की जानब से मुतालबा किया जाएगा लेकिन आज डिवेलपमेंट ये हुई है कि ख्वाजा आसफ़ को यहाँ पर एहतस अदालत इस्लाम आबाद में राहदारी रिमांड के लिए पेश किया गया और नैब ने राहदारी रिमांड के लिए दो दिन का तकाजा कर दिया जज मोहम्मद बशीर ने उन्हें एक दिन का रिमांड दिया है क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था क्योंकि आज यहाँ पर राहदारी रिमांड लेने के बाद आज के रोज़ ही लाहौर की एहतसाब अदालत में नैब की जानब से ख्वाजा आसिफ को वहाँ पर पेश कर दिया जाएगा लेकिन नैब जो है शायद उन्हें एक दिन के लिए रावलपिंडी में रखना चाहता है उनसे कुछ पूछगिछ करना चाहता है तो लेकिन एहतसाब अदालत ने उन्हें एक दिन की मोहलत दी है कि आज ख्वाजा आसिफ को लाहौर की एहतसाब अदालत में या इकत्तीस दिसंबर तक जो है वो लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश कर दिया जाए इस पेशी के बाद इस रिमांड के बाद ख्वाजा आसिफ ने मीडिया के साथ गुफ्तु की है उन्होंने इस गिरफ्तारी के ऊपर क्या रद्दमल का इज़हार किया वो आप नाजिन जान चुके होंगे लेकिन ऐसा निकबाल साहब भी मीडिया पर बहुत गरजे हैं बरसे हैं इस अदालती कार्रवाई के बाद और इस तमाम कार्रवाई का जो मलबा है वो एसन इकबाल की जानब से हकूमत पर डाला गया है कि ये तमाम जो कार्रवाई की जा रही है ये हकूत की ईमा पर वज़ी अजम इमरान खान की ईमा पर जो है वो अपोजिशन के खिलाफ की जा रही है लेकिन हम ये तमाम जो है वो हथकंडे हैं जो म के जबते हैं बर्दाश्त कर लेंगे और एसन इकबाल ने कहा कि मौदा हुकूमत के जाने का वक्त आ चुका है मौजूदा हुकूमत के जाने का वक्त कितना करीब है पी डी एम में क्या फैसले हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ़ है और नून लीग आज क्या करने जा रही है इस हवाले से आप नाजिम खुद फैसला कर सके हैं कर सकते हैं क्योंकि पिछले वीडियो में इस सारी सियासी सूरत के हवाले से आप नाजिम को मैं अपडेट कर चुका हूँ नाजिम फ़िलहाल इतना ही आपसे ज़्यादा चाहेंगे अल्लाह हाफ़